हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एमएस एसएससी नोट्स में। दोस्तों, आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स का टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ और हानि। अगर आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी पुलिस की कर रहे हो या रेलवे की, या फिर उत्तर प्रदेश में आने वाली 68,500 अध्यापक लिखित परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, तो उसमें ये टॉपिक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का यही एक हमने चैप्टर यहाँ पे शुरू किया है। तो ये जो चैप्टर की जो शुरुआत है, ये इसका क्या है, ये बेसिक लेवल है, यानी ये केवल क्या है, पार्ट वन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो कठिनाई स्तर है वहाँ पे हम ज्यादा कठिनाई स्तर की ओर हम बढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ पे बेसिक्स की बात करेंगे। फिर बेसिक से धीरे धीरे हम क्या करेंगे, कोई क्वेश्चन के लेवल को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। तो जिससे क्या हो कि अगर जिनको अगर प्रॉफिट और लॉस के बारे में अगर कुछ भी नहीं आता है, तो ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां से आप उस लेवल को आप बढ़ते 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 क्या होगा कि आपको इससे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चंस होंगे, आप उनको बहुत ही कम टाइम में या कुछ सेकंड्स में आप उनको आसानी से कर लेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आपको, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो क्या करिए, जो यहाँ पे लाल वाला जो डिब्बा जो दिख रहा है वहां पे, तो उसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करना है आपको, बेल आइकन जरूरी है उसको प्रेस करना, क्योंकि बिना बेल आइकन को प्रेस किए आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगी, ठीक है। तो दोनों काम आप करिएगा, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। तो आइए शुरू करते हैं, ज्यादा समय हम ना वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके कुछ रूल्स, बेसिक रूल्स और इनपे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो देखिए, जो जो यहाँ पे हम बात करेंगे, थोड़ा सा हम जनरल टर्म्स की बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अगर आप स्टार्ट करते हैं तो उसका जो जनरल टर्म्स है वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि आपको थोड़ा सा बेसिक्स पता भी होंगी। तो अगर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो उसी को हम थोड़ा सा क्या करते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जो बात आती है यहाँ पे किसकी, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस की, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य होता क्या है, तो क्रय मूल्य ये होता है कि अगर हम कोई भी चीज दुकान से, कोई भी चीज अगर हम खरीदते हैं, अगर हम मार्केट में जाते हैं और हमें 1 किलो चीनी खरीदना होता है, तो दुकानदार अगर हमें हमें उसे देता है 30 रुपए पर किलो के हिसाब से, तो ये 30 रुपए क्या हो गया, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो गई, ठीक है। फिर सेकेंड चीज क्या होती है जिसकी हम बात करते हैं, हम सेलिंग प्राइस की। अगर हमने कोई भी चीज, या अगर हमने कोई अगर साइकिल जो है अगर 1500 रुपए में क्या कि यहाँ पे बेच दी, तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेकेंड टर्म्स की जो बात आती है यहाँ पे, या फिर नेक्स्ट टर्म की बात जो आती है, वो क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कब होता है, अगर हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, अगर कॉस्ट, अगर सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो और प्रॉफिट हम कैसे फाइंड करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, एसपी माइनस सीपी। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारी, लॉस की। तो लॉस की कंडीशन को हम कैसे ऑब्टेन करेंगे या कैसे जानेंगे, अगर कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हमें लॉस होगा, ठीक है। तो यानी सीपी माइनस एसपी। तो ये जो हमारे ये जो दो बेसिक फॉर्मूले होते हैं प्रॉफिट और लॉस के, ठीक। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया आपका, देखिए ये वाला हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है या और सेलिंग प्राइस दिया है, और अगर आपको अगर कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे इन्हें, अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो आप क्या क्या करेंगे, आप कॉस्ट प्राइस को उधर ले जाइए और उससे आप क्या करेंगे, आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे, यानी सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे इसी तरीके से आप सेकंड वाली कंडीशन में आ जाइए, अगर आपको यहाँ पे लॉस दिया हुआ है, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे इन चीजों को आप चेंज करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जनरली फॉर्मूले हो गए आपके प्रॉफिट और लॉस के। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट बात आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे जो सबसे जरूरी चीज है वो परसेंट की बात आती है, ठीक है। कि आप कोई भी अगर आप एग्जाम अगर आप दे रहे हो, तो आप जानते हो कि कोई ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन तो पूछता नहीं कि हाँ कि अगर आपने कोई भी चीज अगर 10 रुपए में खरीदी, ठीक है, तो उसको अगर 15 रुपए में बेच दिया तो आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है। तो ये एक केवल क्या था, एक बेसिक चीजें थी। अब यहाँ पे बात आती है यहाँ पे परसेंट की, कि हमें प्रॉफिट परसेंट कब होगा। तो देखिए, जनरली जो हम बात करते हैं, जो प्रॉफिट परसेंट की बात होती है, ये चाहे वो हमेशा हम कॉस्ट प्राइस पे हम फाइंड करते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। तो यानी प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। और सेम और सेकेंड कंडीशन क्या है, अगर हमें लॉस की कंडीशन में है तो क्या होगा, तो वहां पे भी लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। यानी हमें चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो दोनों के कंडीशन में या दोनों ही ये टर्म्स में हम क्या किसका यूज करते हैं, हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम यूज करते हैं, ठीक
ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ये इस तरीके से हम इनको फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। देखिए, अगर अगली कंडीशन, अगर आप सपोज करें कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस अगर आपको फाइंड करना है, ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, और आपको क्या दिया हुआ है, आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपकी ये गिवेन है, और क्या है, आपको प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में आप कॉस्ट प्राइस कैसे आप फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसका जो फॉर्मूला होता है, तो हम कैसे उसको निकालते हैं, तो SP इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। ये तब की कंडीशन है अगर आपको अगर आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, आपको SP दिया हुआ हो और प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो, तो आप कॉस्ट प्राइस आप इससे फाइंड कर सकते हैं। अब सपोज करिए कि यहाँ पे अगर आपको कॉस्ट प्राइस ही फाइंड करनी है, लेकिन उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो देखिए वहां पे करना क्या है, वहां पे फॉर्मूला आपको वही चीज रहती है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे बस प्लस की जगह माइनस हो जाता है, और अगर लॉस की कंडीशन है तो वहां पे आप लॉस लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस हो गया। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस होगा, और लॉस होगा तो वहां पे माइनस होगा। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला होता है तो कॉस्ट प्राइस की कंडीशन में। अब नेक्स्ट है कि अब इसी का अगर हम अपोजिट कर लेते हैं, तो अपोजिट की कंडीशन में मतलब बात है कि अगर अब आपको सेलिंग प्राइस आपको फाइंड करना है, और कंडीशन आपको क्या यहाँ पे दी हुई है, सीपी आपको गिवेन है, ठीक है, और आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है या लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हमें SP की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम SP की बात करेंगे, तो SP की कंडीशन में क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्राइस इंटू, ठीक है, यानी क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट और अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए, अब इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है, इस फॉर्मूले आप इस फर्क को एनालाइज करिए। यहाँ पे देखिए, जो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है, और यहाँ भी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब हम कॉस्ट प्राइस जब हमें फाइंड करना होता है, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में होता है, यानी नीचे होता है, यानी हर में लिखा होता है। और जब हम सेलिंग प्राइस जब फाइंड करते हैं, तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, वो हमारा ऊपर रहता है, यानी न्यूमरेटर में रहता है, ठीक है। और बाकी ये क्या हो जाता है, ये दोनों का इंटरचेंज हो जाता है, यानी सेलिंग प्राइस का और इस कॉस्ट प्राइस का हम वहां पे इंटरचेंज कर लेते हैं। अब दूसरी कंडीशन ये है कि ये तो बात ही आपकी प्रॉफिट परसेंट के लिए, अगर यही अगर आपको यहाँ पे दिया हो कि आपको यहाँ पे लॉस की कंडीशन हो, तो अब उस कंडीशन में अगर लॉस है, तो आप हम यहाँ पे माइनस का साइन लगा देते हैं, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट है, प्रॉफिट की जगह यहाँ पे हम लॉस कर देंगे, ठीक है। तो वो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100। तो ये जो जनरली आपके ये जो चार फॉर्मूले हैं, इन्हीं का हम यूज करते हैं, तीसरा ये था हमारा, ठीक है, और चौथा ये था, तो हम नंबरिंग कर लेते हैं। और बाकी आप जो ऊपर के जो फॉर्मूले हैं, उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको आप अलट पलट के या फिर उसको ट्रांसपोज करके इधर उधर करके, आपको जैसे प्रॉफिट दिया हुआ है, या तो हमें प्रॉफिट फाइंड करना है, अगर आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। और अगर आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, तो ये कॉस्ट प्राइस को आप इधर ले आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो इसी तरीके से यहाँ पे लॉस की कंडीशन में यही होगा, अगर अगर आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर आपको यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे अगर आपको अगर हमें आपको ले जाते हैं यहाँ पे, अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो सेलिंग प्राइस कहाँ चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, लॉस प्लस सीपी। तो इस तरीके से हम इंटरचेंज करके हम इनको फाइंड कर सकते हैं। तो ये बात ही एक जनरल फॉर्मूले की, तो इसके थ्रू अगर इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, तो एक ये बेसिक एक एक रिवीजन था जो हमने आपको बता दिया। तो हो सकता है आप में से बहुत लोगों को ये सारी चीजें आती हों, और जिन्हें ना आती हों, तो इसको आप एनालाइज करें। तो अब क्या, अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कुछ अब क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब क्वेश्चन के माध्यम से हम इस चीज को सीखेंगे, और थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा सा कम टाइम में हम सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में ज्यादा टाइम रहता नहीं है। तो ये बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, हम क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चुके हैं। अब है ये जो हमारा जो क्वेश्चन है, वो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। क्या देखिए, तो उसको पढ़िए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 5,000 रुपये है, अगर इसे 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो इसका विक्रय मूल्य फाइंड करिए। तो बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसको हम कोशिश करेंगे बहुत ही कम टाइम में इसको करने की, बहुत हम ज्यादा फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे क्या आपका दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दी हुई है, यहाँ पे आपको को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम डालते हैं। तो सॉल्यूशन में
तो देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपकी कितनी दी हुई है, आपकी ये 5,000 रुपीज़ है, ठीक है। और क्या आपको दिया है यहाँ पे, आपको ये प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है जो कि कितना है, ये 20% है। तो अभी हम यहाँ पे एक टर्म हम जो हम यूज करेंगे वो हम क्या लेते हैं, वो हम 100, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कि जाके आपका टाइम टेकन ज्यादा ना हो, तो हम यहाँ पे 100 को ही हम मान के चलते हैं कि अगर आप ये देखिए, अगर इसको हम 100% अगर प्रॉफिट पे लेते हैं तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ठीक है। अगर यानी इसको अगर 100% पे बेचा जा रहा है तो ठीक है, तो ये 5,000 रुपये थी, ठीक है। अब इसको क्या है कि अगर 20% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी 20% प्रॉफिट पे, तो यानी 100+ में क्या करते हैं हम यहाँ पे 20 को ऐड कर देते हैं, तो कितना हुआ आपका, अगर हम 120% पे बेचेंगे तो ये कितना हुआ। तो आप इसको क्या फाइंड करना है, आपको इसकी सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। तो अब सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, ये 5,000 ये इधर हो गया अपॉन 100, और जो उधर क्या हो जाता है आपका 100+20 यानी 120 हो जाता है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से दो जीरो को काटा, यहाँ पे कितना हुआ 50 हुआ, 12 5 60 और एक जीरो को और बढ़ा लिया, तो कितना हो गया यहाँ पे आपका 60,000 रुपये हो गया। तो यानी ये आपकी क्या आ गई, सेलिंग प्राइस आ गई, हो गया ना सिंपल। तो बस इसी तरीके से आपको करना है, यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूले का यूज हमें नहीं करना है, ठीक है। तो यानी इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई यहाँ पे, आप ध्यान ध्यान दीजिए, ठीक है। पेट्रोल 5 60 हो गया यहाँ पे, यानी सेलिंग प्राइस आपकी 6,000 रुपये हो गई। तो ठीक है, तो आपको ज्यादा यहाँ पे यूज नहीं, ज्यादा फॉर्मूला आपको नहीं, यहाँ पे केवल हम 100 की हम बात करें, यानी 100% को लेकर चलेंगे। अगर आपको 100% पे कितना हो रहा है, 100% पे 5,000 की कॉस्ट प्राइस है, यानी 20% अगर लाभ पे बेचा जा रहा है तो 120% हो गया। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 की जगह आपको अगर 40% होता तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम 140% कर देते। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता, 140 कर देते तो यहाँ पे 140 हो जाता। तो ये कंडीशन है। अब इसी से रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये अभी जो हमने एक क्वेश्चन की बात की है, अब देखिए उसी के टर्म्स में हम थोड़ा सा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे आपका डाउट थोड़ा सा जो भी होगा क्लियर हो जाएगा। देखिए सेम ही सिमिलर ही क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन दी हुई कि अगर किसी वस्तु का अगर कॉस्ट प्राइस यानी जो क्रय मूल्य है वो है 4,000 रुपये है, और इसे 25% हानि पर बेची जाती है, तो इसे 25% हानि पर बेचा जाता है तो इसे कितने रुपए में बेचा जाएगा। तो यानी आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपको दी हुई है कितनी है, कॉस्ट प्राइस आपको 4,000 दिया हुआ है, ठीक। और लॉस परसेंट कितना है आपको, यहाँ पे 25% है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। तो अब हम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम वो चीज अप्लाई करते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस अगर आपकी यहाँ पे 4,000 रुपये है, ठीक है, यानी 100% अगर अगर उसको 100% पे बेचते हैं तो कितना की कॉस्ट प्राइस है आपको, 4,000 रुपये। अब देखिए यहाँ पे हानि है यानी लॉस है, तो यानी अगर हानि हो रही तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम 25 को क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कितना हो गया ये 75 पे, ठीक है। तो 75% पे आपका बताइए 75% पे कितना हो जाएगा। अब वही चीज यहाँ भी अप्लाई करेंगे 75% पे, जो हमारा जो फॉर्मूला था, तो क्या है यहाँ पे 4,000 अपॉन क्या है, यहाँ पे 4,000 के बाद 100 हो गया और यहाँ पे 75 हो गया ना। तो दो जीरो से दो जीरो को हमने हटा दिया, और ये 75 4 75 4 का कितना होता है यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा ये 3,000 रुपीज़ ना। तो ये इसकी क्या हो गई, ये सेलिंग प्राइस हो गई, हो गया ना। तो ये इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये एक लेवल हो गया, या फिर ये एक टाइप हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। तो आइए बढ़ते हैं देखिए इस क्वेश्चन की तरफ। अभी जो हमने बात किया था इससे पहले, जो क्वेश्चन जो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, तो उसमें आपको क्या फाइंड करना था, उसमें आपको सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी। अब यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस की फाइंड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या हमें दिया हुआ है, तो हम थोड़ा उस चीज पे हम गौर फरमा लेते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो दिया हुआ है वो है आपका 660 रुपये दिया हुआ है, और लॉस परसेंट है यहाँ पे आपका 12% दिया हुआ है, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा जो अभी थर्ड और फोर्थ फॉर्मूला जो हमने यूज किया था, लेकिन वहां पे थोड़ा सा जो ऊपर नीचे की जो चीजें हैं वो वहां पे आपको ध्यान वहां पे ध्यान देना कि कहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इतना चीज तो आपको पता है कि प्रॉफिट होगा तो वहां पे प्लस का यूज करेंगे, अगर लॉस होगा तो वहां पे हम माइनस का यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो यानी लॉस हो रहा है, और क्या फाइंड करना है आपको, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि सेलिंग प्राइस क्या है, यहाँ पे आपका 660 रुपये है, यानी अगर 100% पे कितना है, तो 100% को हम कभी नहीं भूलेंगे, ये कितना है 660 रुपये है, ठीक है। और हानि कितनी हो रही है आपको, 12% की हानि हो रही है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, हम 12 को माइनस कर देंगे, तो माइनस किया कितना हुआ, नहीं 88% पे कितना हुआ, 88% पे आपको इसकी कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। तो 88% पे कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, ये 660 हो गया, और 88 आपका नीचे आ जाएगा, और क्या है यहाँ पे इंटू 100, ठीक है।
अब इसको आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा आप कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करते हैं हम यहाँ पे 22 से, तो 22 फोर जा कितना होता है 88, 2288 और 22 66 हो गया, यहाँ पे 30 हो गया। तो कितना हो गया ये आपका, हो गया 3000 लिख लेते हैं, और यहाँ पे 4 हुआ डिवाइड कर दिया तो कितना होता है ये 750 ना, तो 750 हो जाएगा, 750 रुपये ये आपकी कॉस्ट प्राइस आपको मिल गई। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ, आइए बढ़ते हैं हम अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो अभी तक जो हम पिछले जो क्वेश्चंस पे हमने डिस्कस किया, तो वो हमें क्या फाइंड करना था, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, जिसको हम आप दी हुई ट्रिक से या दी हुई आसान तरीके से आप उसको सॉल्व करके आप आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब हम बढ़ते हैं कि अब परीक्षा में देखिएगा आपको इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे लेवल थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं अपना। तो देखिए दिया हुआ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि एक आदमी ने किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचा, यदि वह उसे 96 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। तो वस्तु का आपको मूल्य बताना है, तो यहाँ पे मूल्य का मतलब ये है कि आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आप उसको यहाँ पे 7% हानि पे बेच रहा है। ठीक है, तो 7% हानि पे बेच रहा है, तो आप हमने क्या बताया था कि आपको किसको लेके चलना है, यहाँ पे 100 को लेके चलना है। तो 7% हानि हुई तो कितना हुआ, यानी 93%। ठीक है, अब इस पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, 93% की हानि हुई, और अगर उससे आगे आप देखिए क्या कहा है कि उससे भी अगर वो 96 रुपए अधिक में बेचता है, तो यानी 93% + 96, तो उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 8% का। तो 8% का प्रॉफिट कितना हो गया, यानी 108%। अब क्या करेंगे, इसको हम इधर बुला के माइनस कर देंगे, तो यानी ये कितना हुआ, ये आपका 108%। ठीक है, 108% माइनस 93% इज इक्वल टू 96, यानी ये कितना हुआ आपका, ये 15% पे कितना आया, ये 96 आया। तो हम यहाँ पे बात फिर करेंगे यहाँ पे 100% की, यानी आपको 100% निकालना है। तो 100% कैसे निकालेंगे, हमने क्या किया, 96/15 किया इंटू 100 किया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 5 3 15, 5 20 100, फिर इसके बाद फिर से इसको काटते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे आपका, अब इसको यहाँ पे काटेंगे तो 3 से यहाँ पे 32 हो गया ना, तो 32 हुआ, और 32 जा कितना होता है 64, या 64 में एक जीरो लगा दिया तो हो गया आपका 640 रुपए। तो 640 रुपए क्या होगा, ये वस्तु का आपका ये मूल्य निकल गया। ठीक है, तो हो गया ना, कितना आसान तरीका। तो बस तुरंत ही आप उसको 30 से 35 सेकंड आपको लगेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व करने में, या उससे कम भी टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं, कि जैसे जैसे आपकी उसकी प्रैक्टिस होगी। आइए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा टाइप को अपने चेंज करते हैं, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है हमारा, ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है कि किसी वस्तु को अगर 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो उसे अगर हम कितने में बेचें कि 15% का लाभ हो जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो ज्यादा हार्ड लेवल नहीं है, तो अभी हम इजी लेवल पे ही चल रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए हम चीजें को हम उसी तरीके से अप्लाई करेंगे कि उसी हम 100 को ही लेके, तो जो जरूरी चीज क्या है यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो दी हुई है वो कितना है आपका, 720 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 10% की हानि हो रही, तो 10% की हानि है, तो हम अगर हम 100 के लिए को लेके चलते हैं, तो 10% की हानि हो रही कितना, इसको 90%, यानी 90% पे हानि हो रही है, कितने कितने पे बेचने पे, 720 पे। अब ये कह रहा है कि उसको हम कितने में बेचे को 15% का लाभ हो, तो 15% का लाभ होने के लिए यानी 100 में क्या करेंगे, 15 को प्लस कर देंगे तो 115% पे, तो यानी 115% पे हमें निकालना है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम, यानी 115% पे कितना हो जाएगा, तो 720, और ये 90/नीचे आ जाएगा इंटू 115। तो क्या किया, 0 से 0 को हमने को यहाँ पे काटा, 9 8 72, अब 8 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40 हो गया, 0 हुआ कैरी यहाँ पे, 0 हुआ कैरी यहाँ पे 4 लगा। ठीक है, तो आगे यहाँ पे हो गया 2 हो गया, 8 1 जा, और यहाँ पे 8 9, तो कितना हुआ यहाँ पे, 9 20। तो ये 9 20 आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपकी सेलिंग प्राइस हो गई। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हो गया ना कि बहुत ही इजी मेथड में इसको हम सॉल्व कर लिए। आइए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन हम अपने इस वीडियो में ले चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें और उसमें क्या फर्क है कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 200 रुपए कम है और वहां पे क्या था, अधिक की बात की गई थी। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को अगर 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह उस
से 200 रुपए कम में बेचे तो 5% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रयमूल्य फाइंड करना है। तो तरीका हमारा वही है, हम यहाँ पे 100 को लेकर चलते हैं, तो 100 यानी अगर 15% का लाभ हो रहा है तो 100 में क्या होगा, 15 क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएगा, यानी 115 होगा, ठीक है। और तो अगर 115 में बेचा, मतलब यानी लाभ पे बेचा, तो उसको कितने की मतलब, और उसमें 200 रुपए कम पे बेचा है ना, यानी 115 माइनस 200 और 5% की हानि हो रही है, यानी 100 माइनस 5 कर देंगे तो ये कितना होगा आपका, ये 95% है, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये सब यहाँ पे परसेंट है ही है यहाँ पे। अब हम इसको इधर बुला लेंगे तो 115 माइनस 95 हो गया और इधर 200 हो गया, तो इसको सबट्रैक्ट करिए तो ये कितना हुआ, ये आपका 20 आ गया, यानी 20% पे कितना है उसको, 200 रुपये में मिला है, 200 कम में है, तो यानी 100% पे निकालेंगे तो 100% पे क्या हो जाएगा ये आपका, तो 200 अपॉन 20 इंटू 100, ठीक है। ये उस जीरो को काटा, 210 जा और बाकी कितना आ गया आपका, ये 1000 ना, ये आपका ये 1000 क्या आ गया आपका, ये सीपी आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे ये क्वेश्चंस यहाँ पे लिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एक एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो था प्रॉफिट और लॉस का, तो जिसका लेवल जो था बहुत ही हम एक शुरुआती लेवल से हम इनको लेके आगे बढ़े हैं, तो इनके लिए और ये थोड़ा सा तरीका भी हम लोगों ने थोड़ा सा चेंज किया है आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका आपको पसंद आया होगा और आपके सुझाव आपकी कंप्लेंट हमारे कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं, और तो बहुत ही मेहनत लगती है इस टाइप के वीडियो को बनाने में, तो इसके लिए करना क्या है कि आप एक लाइक तो आप जरूर ही दबा दीजिएगा, कि लाइक दबाएंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और इससे रिलेटेड और भी जितने वीडियोस होंगे, क्योंकि ये क्या है प्रॉफिट लॉस का हमारा पार्ट वन है ना, तो अभी इसके पार्ट टू पार्ट थ्री, तो देखिए कितने पार्ट इसके बन सकते हैं, तो यानी हम काफी हम इसका सेक्शन हम यहाँ पे कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी जल्दी जिससे होगा कि कवर कर लेंगे, तो आपके जो भी सिलेबस जो है आपका वो मतलब ये काफी जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और सबसे जरूरी चीज अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।